होना है प्रेम आदर सम्मान संस्कृति के गुणों का गुलदस्ता आप सभी को इस भावभीनी विदाई पर सादर समर्पित है। इस वक्त मेरा कुछ कहना मेरे विद्वानों के सामने सिर्फ सूरज को दिखाना है, मगर फिर भी वक्त का तगाजा है और समय बलवान है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। आप और हमारे बीच के रिश्ते की सिर्फ इतनी कहानी है कि हमारे आज आंख में दो बूंद पानी है। आप सभी को आने के लिए यहाँ पर बारंबार नमस्कार है। यहाँ की फिजाओं में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब आपका ही चमत्कार है। आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, प्राचार्यों और मेरे सभी विद्वानों के लिए, मैं और मेरा साथी इसी शहर में रहते हैं, मगर अफसोस कि हम दोनों एक दूसरे को मिलने को तरसते हैं। रहने दो अपनी यादों के साए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम सब तो अभी उसी जगह पर थमे हुए हैं, मगर बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, आप ही चले गए दास्ता कहते कहते। आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि कभी तुम्हारे होठों से मुस्कान न छीने, दुनिया में कभी कोई तुमसे न रूठे। खुदा की हो इतनी इनायत कि आसमां के सितारे भी आपकी मर्जी से टूटे। इस सुंदर समा में मैं आप लोगों को कुछ बोलने में असमर्थ हूँ, पर भी याद करूँ। जैसा कि आप सबने संबोधन में मेरे नाम के साथ सुना योग टीचर, तो निश्चित रूप से मेरे अध्यात्म और योग के गुरु ने एक बात कही थी कि दुनिया बहुत उल्टी है और इस उल्टी दुनिया को देखने के लिए आपको उल्टा होना पड़ेगा, और इसलिए तब से हमने शीर्षासन करना शुरू किया, क्योंकि दुनिया को पलट के नहीं देखा जा सकता था। हम पलट गए तो दुनिया सीधी दिखने लगी थी। और वैसे ही जब योग के बारे में पहला कदम हमने बढ़ाया तो हमारे गुरु ने कहा था कि योग को उल्टा करके देखो तो गयो, सब कुछ गया गया हो जाता है और उसको वापिस लाना है तो योग करना पड़ेगा। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारी जवानी जा रही है तो उस समय फिर हम उसको उल्टा करते हैं तो वायु शब्द बनता है, और जब वायु शब्द बनता है तो वायु प्राणायाम के लिए है, और प्राणायाम जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से युवा बन जाते हैं। और जब आप देखते हैं कि इस तरीके से आप अपने आप को नया बनाना चाहते हैं, कुछ नव चाहते हैं, तो फिर एक बार पलटना पड़ता है और आप क्या करते हैं उसको वापिस उल्टा करते हैं और क्या बनता है, वन बनता है। तो ये बालकों का जो वन है ना वो बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे एकदम जवानी मेरी याद आती है मुझे, क्योंकि मैं 83 में जब यहाँ पे आया तो मैं अनमैरिड था और यहाँ आकर के मुझे धर्म पत्नी के रूप में इंदु जी मिली और उसके पश्चात मेरा ये परिवार बढ़ता गया और आप लोगों की संगत जो मिली तो मैंने बहुत कुछ पाया है यहाँ से। आपको ये बता दूं, कुछ मेरे साथी कहते थे इतना काम करते हो रात के 2-2 बजे तक आते ही, हमारे राय सर ने मुझे बहुत ही उससे स्नेह भरे उससे देख करके कहा कि अरे याद है 2-2 बजे तक अपन लोगों ने यहाँ पे स्टेज बनाए हैं। मैडम अभी कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए यहाँ पे, तो निश्चित रूप से वो 2-2 बजे रात तक हम लोग जब काम करते थे तो कुछ साथी मेरे कहा करते थे कि क्या लाभ मिलेगा। मैंने कहा भला कर लाभ हो जाएगा, और ये लाभ है कि जो हम आप सबको देख रहे हैं इस बीच में और इतने प्यार के साथ में, ये क्या कम प्रभु की दया है कि आपने हमें याद किया, ये क्या कम प्रभु की दया है, वापिस उल्टा कीजिए, कि आपने हमें याद किया है। और इस तरीके से जीवन को मैं
यहाँ पर मधुबन बनते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है और मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगा कि आप लोगों का प्यार इसी तरह से हमेशा हमको मिलता रहे। और मैंने जो कल्प करने से पहले कि निश्चित रूप से यहाँ पे प्रतिमा देवांगन स्वर्णकार निश्चित रूप से एंकरिंग पर्सन के रूप में होंगी और वो मुझे यहाँ पे नजर आई। और इस तरीके से बहुत सारे चेहरे मुझे यहाँ पे इतने आनंद और खुशी के साथ में देखने को मिले हैं। मैं चाहूंगा कि ये खुशियां हमेशा आपके परिवार में बिखरी हुई हो। और ये जो हमारा एक बालको नगर का नक्षत्र है, सौर मंडल है, उस सौर मंडल के दुबे जी और राय साहब दोनों सूर्य और चंद्र के रूप में हमें